टेलीविजन और हमारा संबंध बहुत गहरा रहा है। मनोरंजन के पसंदीदा साधनों से शुरू होकर हमारी जरूरतों में शामिल हो चुके इस टीवी में समय के साथ साथ बहुत बदलाव होते चले गए और टेलीविजन हर बार पहले से कहीं बेहतर होता गया। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे टेलीविजन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीविजन को इतिहास जगत का एक अनोखा आविष्कार माना जाता है, जो कि विज्ञान का अद्भुत नमूना है। इसका आविष्कार जेएल बेयर्ड ने 1925 में किया था। टेलीविजन को हिंदी में दूरदर्शन कहा जाता है, क्योंकि ये दूर की वस्तु की इमेज हमारे सामने चलती हुई दिखाता है। वास्तव में टेलीविजन की स्क्रीन पर सिर्फ इमेज ही होती है, जो इतनी तेजी से बनती रहती है कि हमारी आंखों को ऐसा प्रतीत होता रहता है कि ये चल रही है। पहला टेलीविजन स्टेशन 1928 में अमेरिका में लगाया गया था और दुनिया की सबसे बड़ी प्रसारण कंपनी बीबीसी ने 1930 में प्रसारण कार्य किया था। 1936 तक टेलीविजन में 12 इंच का स्क्रीन होता था और टीवी के साथ साथ बड़े बड़े उपकरण भी होते थे। टेलीविजन शब्द का पहली बार इस्तेमाल रूस के वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन पर्स्की ने किया था। टीवी शब्द टेली और विजन से मिलकर बना है, जिसे टेलीविजन कहते हैं। इसका अर्थ दूर दृष्टि या दूरदर्शन होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म टीवी पहली बार 1948 में इस्तेमाल किया गया था। 1960 में पूरी दुनिया के लोगों ने 100 मिलियन से भी ज्यादा टेलीविजन खरीदे थे। दोस्तों, टेलीविजन भारत में बहुत लेट आया था, जिसका प्रसारण 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में शुरू किया गया था। उस समय चैनल का नाम टेलीविजन इंडिया था, जिसका 1975 में नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया था, जो कि आज भी व्यापक रूप से देखा जाता है। जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, उस समय का प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन में सिर्फ आधा आधा घंटा होता था। 1975 तक भारत के केवल 7 शहरों में ही टेलीविजन की सेवाएं शुरू हो पाई थी। दोस्तों, टीवी के जिस रिमोट का बटन दबाते ही टीवी चालू हो जाता है, उस रिमोट कंट्रोल का आविष्कार यूजीन पॉली ने किया था। अमेरिका में 1953 में पहली बार कलर टीवी का प्रसारण किया गया था, जबकि भारत में कलर टीवी की शुरुआत 1982 में हुई थी। 1969 में अपोलो 11 मिशन का पहला टेलीविजन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसे 600 मिलियन लोगों ने देखा था। 1970 तक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन ही चलता था, लेकिन 1972 तक आते आते कलर टेलीविजन ने बाजार में जगह बना ली थी। शुरुआती टीवी में कैथोड रे ट्यूब्स यानी CRT का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से ये बड़े बक्से के आकार का और बहुत भारी भी होता था। मगर आजकल LCD, LED के स्क्रीन होते हैं, जो काफी पतले होते हैं। 1980 में टीवी के साथ VCR और गेम्स भी आने लगे, जिससे टीवी की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती गई। दुनिया का सबसे महंगा टीवी स्टुअर्ट ह्यूग्स प्रेस्टीज HD सुप्रीम रोज एडिशन है, जो $2.25 मिलियन का है। इस तरह टेलीविजन के रूपों में तेजी से बदलाव आते चले गए, और अभी तो आगे भी टेलीविजन की दुनिया में ऐसे चौंकाने वाले बदलाव होने बाकी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।